हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य कैरियर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे सीएचएसएल के रिज़ल्ट के बारे में, जिसका टेंटेटिव डेट जो है वो दे दिया गया आज एसएससी के द्वारा। और आप देखिए, अभी दो दिन पहले 6 तारीख को जो एसएससी सीजीएल था उसका मेंस का रिज़ल्ट आया था और सीएचएसएल का दे दिया गया है डेट। तो आप अपना टाइपिंग और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसका तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग का भी ज़्यादा समय नहीं देगा। लोग 2 से 2.5 महीना के लगभग 2 मंथ का गैप होगा आपको, 2 से 2.5 मंथ का, 2.5 मंथ का गैप मिलेगा। तो आप अपने टाइपिंग को इम्प्रूव कीजिए और साथ साथ में 1 मंथ का करीब गैप देगा आपको डिस्क्रिप्टिव के पेपर के लिए। तो सीजीएल का जब ही डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, आप लोग का डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्टिव का भी साथ साथ में तैयारी करते चलिए। और डिस्क्रिप्टिव के लिए देखिए, जो हम अपने चैनल पर पहले सारा टॉपिक दे चुके हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जैसे क्लास 12th में जो टॉपिक पूछा गया था एसे का, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माई गवर्नमेंट ऐप करके एक गवर्नमेंट का एसे कंपटीशन कराया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो टॉपिक दिए हैं। तो वो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब टॉपिक जो होता है ना, वहीं से पिक किया जाता है। पिछले बार भी जो माई गवर्नमेंट ऐप पर, शायद बहुत कम लोग को पता है कि माई गवर्नमेंट जो है, माई गवर्नमेंट ऐप एक आता है जिस पर हर साल एक एसे कंपटीशन कराया जाता है, एक 10th लेवल में, एक हायर लेवल में। तो पिछले साल का एसे का टॉपिक था वहीं से लिया गया था, तो इस बार हम उसको मेंशन करके एसे का टॉपिक दे चुके हैं अपने चैनल पर, तो आप वहां से देख सकते हो। और उसके बाद देखिए, अब आप लोग का डेट देखिए क्या आया है। डेट जो है सीएचएसएल का, ये आया है आपको 15/6/2018 को। और देखिए, इससे पहले सीजीएल का आपको पता है कि सीजीएल टायर 2 का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है 6/6/2018 को, और इसका डिस्क्रिप्टिव अगले मंथ पड़ गया है। 1 मंथ का गैप दिया गया है, मतलब 6 तारीख को रिजल्ट आया है और अगले मंथ 7 या 8 तारीख को आपको डिस्क्रिप्टिव पड़ा है। तो आप मान के चलो कि अगर 15 तारीख को आप लोग का टेंटेटिव डेट है, तो 13 या 14 तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो अगले मंथ के 20 तक आप लोग का, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर होने का चांसेस है। और उसके बाद मान लो 1 से 1.5 मंथ और आगे टाइपिंग में, तो आप साथ साथ दोनों करते चलो, डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग, ताकि आपका दोनों क्लियर हो जाए। और टाइपिंग में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि स्पीड जो होता है थोड़ा सा इम्प्रूव करके रखना होता है। अगर एग्जैक्ट 33 मांगा गया है या 30 मांगा गया है, तो आप एग्जैक्ट उतना ही स्पीड नहीं मेंटेन करो, उससे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर आप जाओ। और देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर का जो पेपर 2 का रिजल्ट है वो आने वाला है आपको 22/06/2018 इसी मंथ में, 22 तारीख को, 22/6/2018 को जूनियर इंजीनियर का आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए। अब एसएससी थोड़ा सा फास्ट होते जा रहा है। अब देखिए, देखना ये है कि सीपीओ का एग्ज़ाम कब कराते हैं इन लोगों ने। तो सीपीओ के लिए बहुत सारे लड़के फॉर्म भरे हुए थे, जो 4 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था, कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद डेट का कुछ पता नहीं है। और ये देखिए, पीछे का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, वो सबको ये लोग क्लियर कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हो सकता है कि वेंडर चेंज होने वाला है, इसीलिए ये सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी ये लोग ख़त्म करेंगे। 2017 से जितना भी एग्ज़ाम है, सबका प्रोसेस ख़त्म करने के बाद ही 2018 का लग रहा है चालू होगा, इसीलिए एग्ज़ाम का डेट बढ़ रहा है आगे। जैसे सीपीओ का बढ़ गया, अब सीजीएल का भी, जैसे मोस्ट प्रोबली जितने लोग हैं सबको आइडिया हो चुका होगा कि सीजीएल का भी डेट सबको लग रहा है कि आगे बढ़ सकता है। तो लेट्स सी। चलिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। और नीचे में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट होता आपको मतलब पता चल जाए कि क्या अपडेट हुआ है। चलिए, थैंक यू।